माझी मेट्रो के स्लोगन के साथ चल रही नागपुर मेट्रो को किसी कलाकार ने इस कदर अपना मान लिया कि उसने रातों रात मेट्रो कोच को कैनवास बना डाला और उस पर पेंट से ड्रॉप कैन लिखी कलाकारी कर दी। यह कलाकार जब बेहद इम्तिहान से पेंटिंग बना रहा था तो महामेट्रो के आला अधिकारी और डिपो व स्टेशन का स्टाफ चैन की नींद ले रहा था। सुबह जागने पर इसका पता चलने पर महामेट्रो प्रशासन ने सोनिका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिन भर यात्रियों को सेवा देने के बाद मेट्रो ट्रेनें डिपो मिलाकर खड़ी की जाती है। ऐसी एक ट्रेन मिहान डिपो और खापरी मेट्रो स्टेशन के बीच में ट्रैक पर खड़ी की गई थी। इस परिसर में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना ही यहाँ गार्ड तैनात किए गए हैं। इसी का फायदा उठाकर किसी ग्राफिटी आर्टिस्ट ने मेट्रो के एक कोच और उसके इंजन के सामने के भाग में पेंट से ड्रॉप कैन लिखी कलाकारी कर दी, जबकि इस कोच पर पहले से G20 परिषद का लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक स्लोगन लिखा हुआ था। आर्टिस्ट की इस कलाकारी से कोच बदरंग हो गया है। इसका पता सुबह ही चल सका। इसके बाद महामेट्रो प्रशासन ने सोनेगांव पुलिस में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कल दिनांक 9/8/23 को हमको खापरी स्टेशन से सूचना मिली कि खापरी स्टेशन से 100 मीटर आगे एक मेट्रो की रैक खड़ी थी, तो उसके ऊपर कोई अज्ञात आरोपी ने ड्रॉप नी हिट 23 ऐसा फ्रंट और राइट साइड में ऐसा ये किया है, मेट्रो का विद्रोपीकरण किया है। तो फिर वहाँ जाके हमारे अधिकारियों ने वहाँ जाके पंचनामा किया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किए, कोई सिक्योरिटी के फीचर है वो देखे, उसके बाद में थाने में आके गुना दाखिल किया। अभी आरोपी तो अज्ञात है, इसके ऊपर तो पूरा तपास चालू है। आरोपी जैसे भी मिलेगा, हमने गुना दाखिल किया है, उसको अरेस्ट करके कार्रवाई की जाएंगी। नहीं, नाम लिखा है, आगे का तपास सोनेगांव पुलिस थाना ही कर रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।